हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन टूडेज इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द ड्राॅइंग एक्टिविटीज़ एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ सो इन यस्टरडेज क्लास यू हैव ऑलरेडी डर्न ए पिक्चर ऑफ़ ए डर्न द पिक्चर ऑफ़ एन एलीफेंट सो नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए कंगारू ओके आज आपको एक कंगारू को पिक्चर ड्रॉ करने हैं और साथ ही साथ बुक में ये एक्टिविटी करने हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं और आपको क्या करना है कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम आपको यह क्या करना है बुक में ये पिक्चर भी कंप्लीट करने हैं और उसके नाम भी लिखने हैं जैसे कि यहाँ पे क्या होगा ई दिस इज द पिक्चर ऑफ ईयर ऑफ एन एलिफेंट सो ई ए आर ईयर दिस वन इज द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट सो टी आर यू एन के दीज आर दर्स ऑफ ए कंगारू सो यू कैन राइट ई ए आर एस ओके दिस इज द टेल सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेल टी ए आई एल एंड हियर इज द लेग्स एल ई जी एस यू कैन राइट लाइक दैट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लेट अस राइट एंड एक्ट आपको यहाँ पे लिखने का काम करना पड़ेगा फील इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन इन सो हियर आर हिंट वर्ड्स होर स्विम फ्लाईट वो हम क्या करेंगे यूज करके ये फिल्मिंग द्लैंक्स करेंगे और उन्हीं की तरह एक्टिंग भी करेंगे कंगारू आई वु हाई वुड हप इफ आई वर ए टाइगर आई वुड रोर इफ आई वर ए फीस आई वुड स्विम ई फाइवर ए बर्ड I would fly. So these are the uh, sign words, or these are the hint words given to us to write it or to fill in the blanks. We can use these words to fill in the blanks like this. And after filling this, you can act all, act them like also. Okay. Now here it's saying octopus, butterfly, elephant, kangaroo. कंगारू आप, आपको क्या करना है ऊंची आवाज़ में ये सब बोलना है नाउ कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट सेल्स स्टोन्स फिश अच्छा ये सब था ये हम काम पहले कर चुके हैं सो so, तो आज के काम में आपको क्या करना है नए कंगारू का पिक्चर बनाना है राइटिंग एक्टिविटी में ये वाला करना है और उसके साथ ही साथ से अलाउड में ये पिक्चर्स जो दिए गए हैं से अलाउड में सॉरी जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे